हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों में यहां के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं 6 इंच तो कहीं 10-10 इंच तक बर्फ जमा है। हिमाचल के किन्नौर की सड़कों की हालत देखिए। बर्फ हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। रिकांगपियो में 6 इंच के करीब ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। किन्नौर की ज्यादातर सड़कें बंद पड़ी हैं, वहीं जिले के कई इलाकों में बिजली पानी का संकट देखा जा रहा है। हिमाचल के खारा पत्थर में दूर दूर तक आपको बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। सड़कें, पेड़, घर सब ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। वो लगातार मोटी होती जा रही है। कुल्लू का हाल देखिए, पूरा शहर बर्फ से ढका है और आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मंडी में ठंड का ये आलम है कि स्थानीय लोगों ने बर्फ के छोटे छोटे घर बना लिए, जिसे इग्लू का रूप देने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, लोग पर्यटकों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। का निर्माण किया था यहाँ पर स्थानीय जनता के द्वारा, बच्चों के साथ जो है बड़ी मेहनत की, बच्चों ने, सभी लोगों ने सहयोग के साथ इनको जो है तैयार किया। तो हम ये मान के चले हैं कि चलो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है विकसित करने की कृपा करें, ताकि स्थानीय जनता को जो है रोजगार के साधन मिले। टिक्कर में भारी बर्फबारी के बाद शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जंजैहली में हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, फिर भी ये उनकी मजबूरी है। बर्फ और ठंड के साथ लोगों को यहाँ एक लंबी जंग लड़नी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से हिमाचल के पहाड़ों में बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मनाली, डलहौजी समेत हिमाचल के 5 शहरों का पारा माइनस में पहुंच चुका है। वहीं शिमला में तापमान 0 के करीब है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों टिक्कर में भारी बर्फबारी के बाद शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जंजैहली में हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, फिर भी ये उनकी मजबूरी है। बर्फ और ठंड के साथ लोगों को यहाँ एक लंबी जंग लड़नी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से हिमाचल के पहाड़ों में बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मनाली, डलहौजी समेत हिमाचल के 5 शहरों का पारा माइनस में पहुंच चुका है। वहीं शिमला में तापमान 0 के करीब है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।